हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने फूड स्पॉइलेज, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, स्टडी किया था। अभी इस वीडियो में हम फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। वी हैव लर्न अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling। तो हमें कुछ methods हमने study किया है already, जैसे freezing, drying, boiling, airtight packing, ये सारी safe storage methods हैं जिसे हम food protect करते हैं, उसे spoil होने से prevent करते हैं। अगर हमने ये मेथड्स यूज़ किए जैसे फ्रीजिंग है, ड्राइंग है, तो इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशंस, अभी हम डेफिनेशन देखेंगे फूड प्रोटेक्शन की। फूड प्रोटेक्शन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट, इट्स कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन। तो फूड प्रोटेक्शन मतलब क्या, कि ऐसे एक प्रोसेस जिससे हम फूड स्पॉइलेज होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के, एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट, जो पेस्ट होते हैं जैसे इंसेक्ट वगैरह, तो इनका इन्फेस्टेशन रोकते हैं, इसे हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं फूड प्रोटेक्शन। फूड प्रिजर्वेशंस नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशंस। Use of various preservatives to prevent for a long period of time food spoilage due to internal factors is called food preservations। तो हम food spoil ना हो इसलिए हम बहुत सारे preservatives use करते हैं, food अच्छी long time के लिए, long period तक अच्छा रहे इसलिए हम preservatives use करते हैं, तो इस process को हम कहते हैं food प्रिजर्वेशंस। नेशनल इंस्टीट्यूशंस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स बाय देयर स्टैंडर्डाइजेशन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज FSSAI has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006। तो हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी के लिए उसका स्टैंडर्डाइजेशन सही से रहना चाहिए, इसलिए एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किस पर, कौन सा एक्ट के आधार पर ये चलता है, तो एज़ पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो जो वेबसाइट दी है, वेब एड्रेसेस गिवन है, उसे आप चेक कर सकते हो, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन, हमें फूड प्रोटेक्शन किस तरह करना चाहिए। फर्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर। As a result, food remains in a good condition for a longer duration. That is why refrigerators are used in the kitchens. तो जो freezing method है, इससे क्या होता है, जो biological and chemical reaction होती है food materials में, वो slow हो जाती है because of low temperature. तो इससे क्या होता है, जो food material है वो, जो भी है वो good condition में ज़्यादा time तक रहता है, इसलिए हम किचन में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह यूज करते हैं। सेकंड है स्मोकिंग। फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज इन दिस मेथड। तो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हम स्मोकिंग की हेल्प से प्रिजर्व करते हैं, जो स्मोकिंग मेथड में हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज करते हैं। जनरली स्मोकिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड मटेरियल है उसमें का जो मॉइस्चर है वो रिमूव किया जाता है। खास करके ये जो स्मोकिंग मेथड है, ये मीट, जैसे मीट आइटम्स जो होते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स।
मेलेथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स। तो मेलाथाइन जो है इंसेक्टिसाइड वो स्प्रे किया जाता है जो गनी बैग्स होती है जिसमें फूड ग्रेन्स हम स्टोर करके रखते हैं उस पर स्प्रे करते हैं ताकि इंसेक्ट वहाँ पर ना आ सके। नेक्स्ट मैटर है इरेडिएशन। इन दिस मैटर फूड इज एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय एक्सेलरेटर्स, एक्सरेज, गैमा रेज इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयड द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन रैपनिंग पीरियड। द शेल्फ लाइफ ऑफ पोटेटोज एंड ऑनियंस इंक्रीजेज ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग। तो जो इरेडिएशन होता है मतलब क्या होता है, जिसमें रेडिएशंस उन फूड मटेरियल पर एक्सपोज किए जाते हैं जैसे एक्सरे हुआ, गामा रेज हुए, तो उनकी वजह से क्या होता है जो प्रोसेस होती है उसकी, उसमें जो माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसी वजह से फ्रूट्स हो या फिर कोई भी फूड है उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटोज दिए, पोटैटोज एंड ऑनियंस, तो उनका जो स्प्राउटिंग का टाइम होता है वो स्लो हो जाता है इस रेडिएशन की वजह से, इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अच्छे रहते हैं, प्रिवेंट रहते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का हम यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, दस प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स इन देम। तो मोस्ट ऑफ जो आपके चिप्स वगैरह रहते हैं, पोटैटो वेफर्स वगैरह, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है ताकि वो जो फूड प्रोडक्ट है वो स्पॉइल ना हो जाए, उसमें फंगस या फिर इंसेक्ट इनकी ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप मोस्ट ऑफ टाइम आप बोलते भी होंगे कि ये तो पैकेट इतना बड़ा दिखता है, बस खाली हवा ही फिलअप किए फोड़ा तो पूरी हवा निकलती है और दो चार चिप्स निकलते हैं उसमें से। तो एक्चुअली वो दो चार चिप्स के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया होता है ताकि वो दो चार चिप्स ख़राब ना हो सके, इसलिए ओके। तो एक प्रोटेक्ट करने का मेथड है ये। नेक्स्ट यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। तो अभी हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे जिसमें नेचुरल एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होती है। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं, सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल आर यूज एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, जैम्स, मुरम्बा, पेठा एक्सेट्रा। जैसे अभी पिकल्स आपने देखा होगा तो पिकल्स में सॉल्ट एंड ऑयल ज़्यादा डालते हैं ताकि वो जो पिकल है वो अच्छा प्रोटेक्ट रहे, मतलब जल्दी से स्पॉइल ना हो सके, इसलिए उसमें ज़्यादा सॉल्ट एंड सॉइल होता है। जैसे मुरब्बा, मुरब्बा भी में हम शुगर ऐड करते हैं तो ये भी एक प्रिजर्वेशन का टाइप है, फूड प्रोटेक्शन का टाइप है। सेकंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिक एसिड डेट इज विनेगर, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। दे आर यूज इन सॉसेस, जेलीज, जैम्स एंड इन पैकेज रेडी टू कुक वेजिटेबल्स एंड रेडी टू ईट फूड्स एक्सेट्रा। दीज प्रिजर्वेटिव्स कीप द फूड सेफ फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अभी जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि एसिडिक एसिड, विनेगर, आपने विनेगर ज़्यादा अच्छे सुना होगा, तो विनेगर या फिर साइट्रिक एसिड, ये जो केमिकल्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं इस ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सॉसेस है, जेली, जैम्स, जो पैकेज फूड होता है रेडी टू कुक या फिर रेडी टू ईट, ऐसे जो खाना होता है मतलब पैकेज खोलो और खाओ, ऐसे जो फूड होता है उसमें हम ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। इन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की वजह से वो जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है, खाने के लिए अच्छा रहता है ओके। नेक्स्ट पाश्चराइजेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ्स अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एट 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट क्विकली। दिस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क एंड इट कीप्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो पाश्चराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, जो मिल्क या फिर उसके जैसे कुछ सिमिलर फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हीट दी जाती है कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर तक, उनको हीट प्रोवाइड की जाती है जिससे, और फिर उसके बाद उसे जल्दी से
कूल भी किया जाता है, तो इससे क्या होता है उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क गिवन है, मिल्क अगर हम 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, उसे हीट प्रोवाइड करेंगे 15 मिनट्स तक, और फिर उसके बाद उसे कूलिंग हीट क्विकली क्विकली अगर कूल करते तो उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो मिल्क जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेफ रहेगा, सेफ टू ईट। नेक्स्ट, डू यू नो इन महाराष्ट्र इरेडिएशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट लासलगांव फॉर ऑनियंस एंड पोटैटोज एंड एट नवी मुंबई फॉर स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। तो हमारे महाराष्ट्र में इरेडिएशन प्लांट्स डेवलप किए गए हैं, इंस्टॉल किए हैं लासलगांव में ऑनियन पोटैटोज के लिए और नवी मुंबई में स्पाइसेस जो हमारे हमारे मसाली चीज़ जो होती है कॉन्टामेंट्स वगैरह उनके लिए ये इरेडिएशन प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। ग्रेट साइंटिस्ट द माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पाश्चर डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू प्रिवेंट माइक्रोबायल ग्रोथ इन द फूड। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है लुईस पाश्चर, इन्होंने टेक्निक डेवलप की है जिससे हम फूड की जो क्वालिटी है प्रिजर्व कर सकते हैं बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर। ये जो पाश्चराइजेशन मेथड है ये लुईस पाश्चर साइंटिस्ट ने डेवलप की है। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने इसमें मेजर्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड अडल्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।